हिजबुल्ला ने इसराइल पर किया ड्रोन से हमला, दो ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए और एक ड्रोन नेतन्याहू के घर से टकराया। इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने घर पर हुए ड्रोन हमले पर हिजबुल्ला और ईरान को दी चेतावनी, कहा हमें कुछ भी नहीं रोक पाएगा, इसराइल ये युद्ध जीतने जा रहा है। बेरूत की दाहिया में इजरायली सेना का बड़ा हमला, हिजबुल्ला के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और वेपन स्टोरेज फैसिलिटी को बनाया गया निशाना, वीडियो किया गया जारी। इसराइल की सेना ने लेबनान के धाय में फिर किया है जोरदार हमला, यहीं पर हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को आईडीएफ ने मार गिराया था। इसराइल की सेना ने ग्राउंड एक्शन के दौरान दक्षिण लेबनान में एक खुफिया सुरंग को ध्वस्त किया, हिजबुल्ला की रेडवान फोर्स की बताई गई है खुफिया सुरंग। बेरूत की बेका घाटी में इसराइल का भीषण हमला, लेबनान मीडिया के मुताबिक हमले में मेयर सहित चार लोगों की मौत हो गई। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में मारे गए हमास लीडर याया सिनवर के लिए सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, प्रतीकात्मक रूप से अंतिम संस्कार की प्रार्थना में हुए शामिल। हिजबुल्ला और इसराइल जंग के बीच अमेरिका ने जताई बेरूत पर हमला कम करने की इच्छा, ऑस्टिन बोले गाजा की तरह यहां भी आम लोगों के हताहत होने की संख्या बहुत ज्यादा है। गाजा और लेबनान में ऑपरेशन के दौरान मरने वाले इसराइल के सैनिकों की संख्या बढ़ी, अब तक 747 इसराइली सैनिकों को हो चुके हैं शहीद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी कर सकती है अपनी पहली सूची जारी, 107 उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस सीईसी की अहम बैठक, खड़गे राहुल गांधी समेत समिति और महाराष्ट्र के नेता होंगे शामिल। बीजेपी ने झारखंड के लिए पहली सूची में 66 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान, जेएमएम से आए पूर्व सीएम चंपाई सोरेन सरायकेला से होंगे उम्मीदवार, बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी को धनबाद से मिला टिकट। झारखंड के जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम से बीजेपी ने अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को बनाया प्रत्याशी, सीता सोरेन को जामताड़ा और गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से मिला है टिकट। झारखंड में महागठबंधन में सीट बंटवारे पर आरजेडी नाराज, राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफा फैसला लिया गया। राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की मुलाकात में निकला फॉर्मूला, 70 सीटों पर लड़ेंगे जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी और लेफ्ट के लिए 11 सीटें छोड़ी गई। झारखंड में सीट बंटवारे पर असंतोष की खबरों के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, पिछली बार आरजेडी ने 7 सीटों पर लड़ा था चुनाव। बीजेपी के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर तंज, कहा सीट पर अभी से विवाद शुरू हो गया, आगे खुद समझ सकते हैं क्या होगा। राहुल गांधी का जातीय जनगणना पर फिर बड़ा बयान, का सामाजिक एक्सरे का जरिया है जातिगत जनगणना। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा देश में देसी और घुसपैठिए दो तरह के मुसलमान, घुसपैठिए से देसी मुसलमानों को भी दौलत छीनने का खतरा है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का गिरिराज सिंह के बयान पर बड़ा हमला, कहा बिहार का माहौल बिगाड़ना चाहते गिरिराज सिंह, यात्रा निकालना गलत है। हरियाणा कांग्रेस का ओबीसी प्रभारी का पद छोड़ने वाले अजय यादव, सभी कांग्रेस में रहेंगे, किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने के लगाए जा रहे थे कयास। आज वाराणसी के दौरे पर पीएम मोदी, 6000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं के देंगे स्वागत, आई हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के ऐलान के साथ ही 5000 लोगों को रोजाना मिलने लगेगा भोजन, विश्वनाथ मंदिर न्याय परिषद की रसोई हर रोज जरूरतमंदों के लिए तैयार करेगी ये भोजन। अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में शामिल होने मथुरा पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, 10 दिनों तक करेंगे प्रवास। बहराइच हिंसा के आरोपियों के घर पर आज हो सकता है बुलडोजर वाला एक्शन, 2 दिन पहले प्रशासन ने आरोपियों के घरों पर लगाए थे नोटिस। बहराइच हिंसा के आरोपियों के एनकाउंटर को अखिलेश यादव ने बताया हत्या, कहा यह एनकाउंटर नहीं, सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए करा रही है हत्याएं। बहराइच हिंसा केस में विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान, का सुरक्षा सौहार्द के लिए दंगाइयों की कुटाई और ठुकाई जरूरी है। एनकाउंटर पर अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह का पलटवार, का अपराधियों पर कार्रवाई से अखिलेश यादव को दुख होता है। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल का परिवार सीएम योगी से मिला, परिवार ने कहा हम कार्रवाई से खुश हैं, जो वादे किए थे वो सभी पूरे हुए। नहीं थम रहा फ्लाइटों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला, शनिवार को फिर कई एयरलाइंस को मिली धमकियां। हरियाणा में नहीं थम रहा पराली जलाने का सिलसिला, कैथल में खतरनाक हुआ वायु प्रदूषण, AQI 350 के पार पहुंचने पर सुप्रीम कोर्ट ने कैथल कुरुक्षेत्र के डीसी को तलब किया। पंजाब सरकार के दावे फेल, किसान जमकर जला रहे हैं पराली, लुधियाना समेत कई जिलों में किसानों ने जलाई पराली। हैदराबाद के श्री मुथियालम्मा देवी मंदिर में मूर्तियों के खंडित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया।